व्यूवर्स, मैं हूं सैयद दानियाल और आज हम एक बड़े मजेदार टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को उसके लिए प्रॉब्लम आती है कि उनके असाइनमेंट के अंदर जब वो असाइनमेंट बनाते हैं या कोई थीसिस वगैरह बना रहे होते हैं तो उनको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम एक बड़ी मजेदार टॉपिक के लिए के साथ हाजिर हुए हैं ताकि उनको उनकी हेल्प की जा सके, क्योंकि वो बनाते हैं मैनुअली टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे होते हैं और जब भी कुछ अपनी असाइनमेंट या थीसिस के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं तो उनका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आगे पीछे हो जाता है, नंबरिंग जो है वो आगे पीछे हो जाती है, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमें एक टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली हमें बना के देता है। तो वो किस तरीके से बनाया जाता है, क्या उसका तरीका है बनाने का और उसके अंदर किस किस तरीके से फॉर्मेटिंग की जा सकती है, तो आज हम इस आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 2007 से लेके 2019 तक के आप किसी भी वर्जन के अंदर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने एक सैंपल के तौर पे एक डेटा बना लिया है, कुछ 30 पेजेस का ये डेटा है। ये इतना लंबा डेटा मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको आसानी रहे समझने में, कि आप अगर पेजेस आपके सामने ज्यादा होंगे तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादा पेजेस बनाए हैं। और इसके अंदर कुछ हेडिंग्स मैंने जो है वो छोड़ दी हैं और आपको सिखाऊंगा कि आपको हेडिंग्स जो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं ऑटो पे, तो उसके अंदर हेडिंग्स जो है वो बहुत मायने रखती हैं। आपकी हेडिंग्स जो है ना वो प्रॉपर तरीके से बनी होनी चाहिए ताकि आप जो ऑटो पे जो टेबल उठाया जाता है वो हेडिंग्स के ही तो उसके लिए उठाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप सीखेंगे कि हेडिंग्स आपने किस तरीके से बनानी है ताकि वो ऑटोमेटिकली उठा ली जाए। तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक कंप्यूटर के नाम से एक मैंने छोटी सी हेडिंग बनाई हुई है। तो ऑटो पे हेडिंग बनाने के लिए आपको ये होम के अंदर ही आपको स्टाइल्स आपको दिखेंगे, यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पर बने हुए हैं और इसके अंदर लिखा हुआ है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और स्टाइल 1 नॉर्मल, इस तरीके से आपको ये कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये हेडिंग 1 और हेडिंग 2, हेडिंग 3 लिखा हुआ है, तो ये आप जब इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो आपको जो आपने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट, जैसे कि कंप्यूटर मैंने सेलेक्ट किया था, अब हेडिंग 1 के ऊपर मैं गया हूँ तो अब इसका स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। तो अगर मैं सेकेंड हेडिंग 2 पे जाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि आप इसका स्टाइल अब चेंज हो चुका है, इसका फॉन्ट जो है वो साइज जो है वो छोटा हो चुका है। हेडिंग 3 का इसी तरीके से अलग जो है वो साइज है। तो जो आपको साइज चाहिए, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि आपकी हेडिंग जो है वो 14 के फॉन्ट में होना चाहिए या फिर आपका फॉन्ट जो है वो चेंज होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन हो गया और कैलिब्री हो गया, एरियल हो गया, तो वो आप इस तरीके से यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। वो भी मैं तरीका बताता हूँ कि वो कैसे आगे चेंज होगा। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हेडिंग्स को ही पिक करता है, तो आपने ख्याल ये रखना है कि आपने जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाह रहे हैं ऑटो में, तो आपने इन हेडिंग्स के अंदर ही जो है ना वो वर्क करना है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 जो भी आपके सामने शो हो रही हो, तो ऑटो पे जो कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट बनते हैं वो हेडिंग्स के जरिए ही बनते हैं, इन ऑटो पे हेडिंग्स के जरिए बनते हैं। तो इनमें से ही कोई भी आपने हेडिंग पिक कर लेनी है, जैसे कि आपके सामने मैं हेडिंग 3 को पिक कर लेता हूँ और मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 दिखती किस तरीके से है, वो उनका स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा मैं। तो अभी मैं हेडिंग 3 जो है यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कंप्यूटर को और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, अगली हेडिंग देखते हैं इस तरीके से। तो अगली हेडिंग ये मेरे पास आ गई है, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और हेडिंग 3 के ऊपर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो ये एक छोटी सी हेडिंग बन गई है यहाँ पे। अब इसी तरीके से मैं आगे जाता हूँ, हिस्ट्री की एक हेडिंग दिख गई है मुझे। तो आपने इस तरीके से जो है वो जितनी भी हेडिंग्स आपके असाइनमेंट या आपके थीसिस में है आपने उनको इस तरीके से हेडिंग्स बना देनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हेडिंग्स बन रही है। अब ये कुछ हेडिंग मुझे दिखी है, फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, इसको मैं हेडिंग 3 दे देता हूँ और इसी तरीके से आगे हम चलते हैं। तो ये एनालॉग कंप्यूटर्स, इसको भी हम हेडिंग बना देते हैं। इसी तरीके से आगे और चलते हैं तो ये डिजिटल कंप्यूटर्स की एक हेडिंग आ गई है, इसको भी हम हेडिंग 3 बना देते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे ये अब हेडिंग बन चुकी है। इसी तरीके से जितनी भी हेडिंग्स आपके पास होंगी आपके असाइनमेंट में या थीसिस में, आपने इसी तरीके से हेडिंग्स
लाइंस को बना लेना है। अब यहां तक की मैंने हेडिंग्स बना ली हैं, पेज नंबर 9 तक की मैंने हेडिंग्स को बना लिया है। आगे हम नहीं जाते हैं वरना तवील हो जाएगी वीडियो। तो अब हमें टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऑटो पे क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट पेज के ऊपर। फर्स्ट पेज के ऊपर आने के बाद आपने खाली जगहों के ऊपर आ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने खाली जगह पर आ गया हूँ सबसे पहले पेज की। और यहाँ पर आने के बाद आपने रेफरेंसेस के टैब में जाना है। और रेफरेंसेस के टैब में जाने के बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट, आपको एक हेडिंग दिखेगी यहाँ पे। आपने इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और मैनुअल टेबल, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिक टेबल बना रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 लिखा हुआ आ रहा है। तो और ये इस तरीके से बना हुआ है, जैसे कि आप हेडिंग 1 डालते हैं तो आपके सामने इस तरीके से हेडिंग आती है। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप हेडिंग 1 डालेंगे और हेडिंग 1 का स्टाइल अलग होगा, और हेडिंग 2 डालेंगे तो हेडिंग 2 का स्टाइल कुछ चेंज होगा, मतलब कि उसका फॉन्ट कुछ छोटा होगा। इसी तरीके से हेडिंग 3 है यहाँ पे, तो उसका भी फॉन्ट कुछ चेंज होगा, डिफरेंट होगा। तो ये हेडिंग्स के स्टाइल्स हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप, जैसे कि आप मैंने सबको जो है वो हेडिंग 3 ही दिया है। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मेरे पास पूरा टेबल ऑफ कंटेंट बन चुका है, ठीक है। और के साथ जो है यहाँ पर आपको नंबर भी शो हो रहे होंगे कि वो किस पेज पर हेडिंग है उसकी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पेज 9 तक मैंने बना लिया था हेडिंग, तो यहाँ पर भी जो है वो पेज 9 तक आपके सामने जो है वो आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे बन चुके हैं। अच्छा, एक और चीज ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो हेडिंग इसके अंदर लगाई है अपने थीसिस में या अपने असाइनमेंट के अंदर, तो अगर आप उसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट साइज चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे? क्योंकि आज आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आपको जो ऑटो पे साइज लगा हुआ है वही दे रहा है। तो अगर आप अपने तौर पे इसको कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, अपना स्टाइल फॉन्ट, तो वो किस तरीके से करेंगे? तो जैसे कि हमने कंप्यूटर को हेडिंग 1 दिया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका फॉन्ट जो स्टाइल है वो मैं चेंज कर दूं और फॉन्ट साइज भी जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर दूं काफी, क्योंकि मुझे बड़ा लग रहा है ये। तो मैंने हेडिंग 1 के ऊपर जो है वो जाना है इस ऑप्शन के ऊपर और राइट क्लिक करना है। तो आपको ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देगा, जिसके अंदर सेकेंड ऑप्शन मॉडिफाई का आपको दिखेगा। तो मॉडिफाई के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है। इसके अंदर फॉन्ट स्टाइल्स मुख्तलिफ यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो स्टाइल आपको चाहिए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक एरियल ब्लैक यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर से आप इसके फाउंड को जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो मुझे काफी बड़ा लग रहा था तो मैंने इसे यहाँ से इसको छोटा कर दिया है, फाउंड को भी इसके थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं फाउंड को। और इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आप करना चाहें, या फाउंड का कलर भी चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चेंजेस करने के बाद आज आप ओके करेंगे, तो जब भी आप ये स्टाइल आप कहीं पर लगा रहे होंगे तो वही हेडिंग का स्टाइल आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि कंप्यूटर के ऊपर मैंने ये स्टाइल लगा दिया है, और नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर भी जो है मैं यही अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं वो क्या करूंगा, हेडिंग 1 के ऊपर ऑटोमेटिकली क्लिक कर दूंगा। तो जो फॉर्मेटिंग मैंने ऊपर करी थी वो ऑटोमेटिकली सेकेंड हेडिंग के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। और इसी तरीके से ये थर्ड हेडिंग मुझे दिख गई है हिस्ट्री की, इसके ऊपर भी जो है मैं ये हेडिंग 1 का स्टाइल जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अब हम जो है वो अपडेट करेंगे इसी तरीके से। जैसे कि आपको मैंने बताया था, जो भी आप चेंजेस कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, असाइनमेंट, थीसिस, जो भी आप बना रहे हैं, आपने इसके अंदर चेंजेस कर दिए हैं, तो अब आपने क्या करना होता है, अपडेट करना होता है अपने टेबल ऑफ कंटेंट को। तो आप सबसे पहले आएंगे अपने टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज के ऊपर और टेबल अपडेट टेबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके से ये ऑप्शंस नुमाया हो जाएंगे। तो आपने अपडेट एंटायर टेबल के ऊपर चेक लगाना है और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हेडिंग 1 जो मैंने लगाई थी वो इस तरीके से यहाँ पर अलग से शो हो रही है। एंटामोलॉजी और हिस्ट्री के नाम से भी जो है वो ये हेडिंग जो है वो हेडिंग 1 बन गई है, इसकी मेन हेडिंग बन गई है। तो जो भी आप चेंजेस करेंगे तो उसके लिए लाजमी है कि आप अपडेट टेबल लाजमी करें, ताकि जो भी चेंजेस करिए वो अपडेट हो जाए। इसके अंदर मजेदार ये है कि अगर आप ने टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो पे बनाया है, तो आप जैसे कि किसी भी हेडिंग पे जाना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए ये करते हैं कि कंट्रोल जब आप दबाते हैं तो आपके सामने जो है वो आपका जो माउस है वो अपना स्टाइल चेंज कर लेता है, वो एक हैंड बन जाता है। तो आप जब आप हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस हेडिंग पे और उस पेज पे चले जाते हैं जहां पर आपने क्लिक किया है। तो चाहे वो कोई से भी पेज के ऊपर हो, आप ऑटोमेटिकली वहां पर पहुंच जाते हैं। तो इसका एक टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो भी बनाने का एक ये भी एक बड़ा अच्छा फायदा है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि अगर आप हेडिंग 1 और हेडिंग 2 अगर आप लगाते तो वो किस तरीके से आपके सामने शो हो रही होती। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हम जाते हैं तो हेडिंग 1 जो हमने दी थी कंप्यूटर की, उसको अगर हम चेंज करते हैं और इसको हेडिंग 1 बना देते हैं, ठीक है, और नीचे जाकर और जो नीचे हेडिंग बनाई थी हमने उसको और उसके स्टाइल चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर हेडिंग मेरे सामने आ नहीं रही है, हाँ ये सेकंड हेडिंग, तो हम क्या करते हैं हेडिंग 2 कर देते हैं इसको। इसके अलावा नीचे जाते हैं और हेडिंग मुझे दिख गई है, इसको हम इस करके हेडिंग 2 कर देते हैं। और इसके अलावा एक और हेडिंग ले लेते हैं और उसको भी चेंज करके हेडिंग 2 कर देते हैं। जब हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं अपने टेबल के अंदर और फिर हमें अपडेट करना होता है अपने टेबल को, तो वो किस तरीके से किया जाता है अब इसके अंदर समझ लेते हैं। अब मैंने हेडिंग्स को अपना चेंज कर दिया है यहाँ पर और कुछ आगे पीछे नंबर्स भी हो गए होंगे, पेज नंबर्स भी आगे पीछे हो गए होंगे। तो अब आपका टेबल जो है वो उस तरीके से नहीं रहा है जो कि पहले हमने बनाया था, उसके अंदर पेज नंबर भी चेंज हो गए हैं और हेडिंग्स का स्टाइल भी चेंज हो चुके हैं। तो जब आप काफी सारी चेंजेस कर लें तो उसको यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अपडेट टेबल का। तो अपडेट टेबल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं। तो वो आपसे कहता है कि सिर्फ पेज नंबर चेंज करने हैं या फिर पूरा टेबल चेंज करना है। तो अगर आपके आपको लगता है कि आपने हेडिंग्स भी चेंज की हैं तो आपने क्या करना है, अपडेट इंटायर टेबल के ऊपर आपने चेक लगाना है और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपको मैंने बताया था हेडिंग 1 जब हमने लगाई थी कंप्यूटर के ऊपर तो कंप्यूटर की हेडिंग जो है वो अलग तरीके से शो हो रही है। मतलब कि हेडिंग जो अगर आप मेन हेडिंग जैसे कि आपकी होती है तो आपने हेडिंग 1 कर दिया था कंप्यूटर को मैंने, तो वो अलग तरीके से शो हो रही है। उसके बाद मैंने 3 हेडिंग्स लगाई थी हेडिंग 2 की, तो वो इस तरीके से यहाँ पर आप शो हो रही हैं। और इसके अलावा जो बकाया जो हेडिंग्स मेरे पास थी वो हेडिंग 3 ऑलरेडी लगी हुई थी, तो वो यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर शो हो रही है। मतलब कि हेडिंग सब हेडिंग्स इस तरीके से यहाँ पर बन चुकी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके नंबर्स भी जो हैं वो अब अपडेट हो चुके हैं। जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग में मैंने कि हमने 9 तक बनाया था और अब यहाँ पर अब 10 तक जो है वो पेज नंबर आ चुका है। तो अब अपडेट जब आप करेंगे तो जितने भी आपने अपडेटिंग करी होगी, चेंजेस करी होगी, तो उसके अंदर आप जो है अपडेट टेबल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो सारी अपडेटिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाती है। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। व्यूवर्स, मैं हूँ सैयद दानियाल और आज हम एक बड़े मजेदार टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को इसके लिए प्रॉब्लम आती है कि उनके असाइनमेंट के अंदर जब वो असाइनमेंट बनाते हैं या कोई थीसिस वगैरह बना रहे होते हैं तो उनको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम एक बड़ी मजेदार टॉपिक के लिए के साथ हाजिर हुए हैं ताकि उनको उनकी हेल्प की जा सके, क्योंकि वो बनाते हैं मैनुअली टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे होते हैं और जब भी कुछ अपनी असाइनमेंट या थीसिस के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं तो उनका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आगे पीछे हो जाता है, नंबरिंग जो है वो आगे पीछे हो जाती है, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमें एक टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली हमें बना के देता है। तो वो किस तरीके से बनाया जाता है, क्या उसका तरीका है बनाने का और उसके अंदर किस किस तरीके से फॉर्मेटिंग की जा सकती है, तो आज हम इस आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 2007 से लेके 2019 तक के आप किसी भी वर्जन के अंदर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने एक सैंपल के तौर पे एक डेटा बना लिया है, कुछ 30 पेजेस का ये डेटा है। ये इतना लंबा डेटा मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको आसानी रहे समझने में कि आप अगर पेजेस आपके सामने ज्यादा होंगे तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादा पेजेस बनाए हैं। और इसके अंदर कुछ हेडिंग्स मैंने जो है वो छोड़ दी हैं और आपको सिखाऊंगा कि आपको
हेडिंग्स जो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं ऑटो पे, तो उसके अंदर हेडिंग्स जो है वो बहुत मायने रखती हैं। आपकी हेडिंग्स जो है ना वो प्रॉपर तरीके से बनी होनी चाहिए, ताकि आप जो ऑटो पे जो टेबल उठाया जाता है वो हेडिंग्स के ही तो उसके लिए उठाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप सीखेंगे कि हेडिंग्स आपने किस तरीके से बनानी है ताकि वो ऑटोमेटिकली उठा ली जाए। तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक कंप्यूटर के नाम से एक मैंने छोटी सी हेडिंग बनाई हुई है। तो ऑटो पे हेडिंग बनाने के लिए आपको ये होम के अंदर ही आपको स्टाइल्स आपको दिखेंगे, यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पर बने हुए हैं, और इसके अंदर लिखा हुआ है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और स्टाइल 1 नॉर्मल। इस तरीके से आपको ये कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये हेडिंग 1 और हेडिंग 2, हेडिंग 3 लिखा हुआ है। तो ये आप जब इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं, तो आपको जो आपने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट, जैसे कि कंप्यूटर मैंने सेलेक्ट किया था, अब हेडिंग 1 के ऊपर मैं गया हूँ, तो अब इसका स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। तो अगर मैं सेकेंड हेडिंग 2 पे जाता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि आप इसका स्टाइल अब चेंज हो चुका है, इसका फॉन्ट जो है वो साइज जो है वो छोटा हो चुका है। हेडिंग 3 का इसी तरीके से अलग जो है वो साइज है। तो जो आपको साइज चाहिए, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि आपकी हेडिंग जो है वो 14 के फॉन्ट में होना चाहिए, या फिर आपका फॉन्ट जो है वो चेंज होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, कैलिबरी हो गया, एरियल हो गया, तो वो आप इस तरीके से यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। वो भी मैं तरीका बताता हूँ कि वो कैसे आगे चेंज होगा। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हेडिंग्स को ही पिक करता है, तो आपने ख्याल ये रखना है कि आपने जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाह रहे हैं ऑटो में, तो आपने इन हेडिंग्स के अंदर ही जो है ना वो वर्क करना है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 जो भी आपके सामने शो हो रही हो, तो ऑटो पे जो कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट बनते हैं वो हेडिंग्स के जरिए ही बनते हैं, इन ऑटो पे हेडिंग्स के जरिए बनते हैं। तो इनमें से ही कोई भी आपने हेडिंग पिक कर लेनी है। जैसे कि आपके सामने मैं हेडिंग 3 को पिक कर लेता हूँ, और मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 दिखती किस तरीके से है, वो उनका स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा मैं। तो अभी मैं हेडिंग 3 जो है यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कंप्यूटर को, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, अगली हेडिंग देखते हैं इस तरीके से। तो अगली हेडिंग ये मेरे पास आ गई है, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और हेडिंग 3 के ऊपर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो ये एक छोटी सी हेडिंग बन गई है। यहाँ पे अब इसी तरीके से मैं आगे जाता हूँ, हिस्ट्री की एक हेडिंग दिख गई है मुझे। तो आपने इस तरीके से जो है वो जितनी भी हेडिंग्स आपके असाइनमेंट या आपके थीसिस में है, आपने उनको इस तरीके से हेडिंग्स बना देनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर हेडिंग बन रही है। अब ये हेडिंग मुझे दिखी है, फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, इसको मैं हेडिंग 3 दे देता हूँ। और इसी तरीके से आगे हम चलते हैं, तो ये एनालॉग कंप्यूटर्स, इसको भी हम हेडिंग बना देते हैं। इसी तरीके से आगे और चलते हैं, तो ये डिजिटल कंप्यूटर्स की एक हेडिंग आ गई है, इसको भी हम हेडिंग 3 बना देते हैं। और आगे चलते हैं, यहाँ पे ये अब हेडिंग बन चुकी है। इसी तरीके से जितनी भी हेडिंग्स आपके पास होंगी आपके असाइनमेंट में या थीसिस में, आपने इसी तरीके से हेडिंग्स को बना लेना है। अब यहां तक की मैंने हेडिंग्स बना ली हैं, पेज नंबर 9 तक की मैंने हेडिंग्स को बना लिया है। आगे हम नहीं जाते हैं वरना तवील हो जाएगी वीडियो। तो अब हमें टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऑटो पे क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट पेज के ऊपर। फर्स्ट पेज के ऊपर आने के बाद आपने खाली जगहों के ऊपर आ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने खाली जगह पर आ गया हूँ सबसे पहले पेज की। और यहाँ पर आने के बाद आपने रेफरेंसेस के टैब में जाना है, और रेफरेंसेस के टैब में जाने के बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट, आपको एक हेडिंग दिखेगी यहाँ पे, आपने इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और मैनुअल टेबल, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिक टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 लिखा हुआ आ रहा है। तो और ये इस तरीके से बना हुआ है, जैसे कि आप हेडिंग 1 डालते हैं तो आपके सामने इस तरीके से हेडिंग आती है। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप हेडिंग 1 डालेंगे और हेडिंग 1 का स्टाइल अलग होगा, और हेडिंग 2 डालेंगे तो हेडिंग 2 का स्टाइल कुछ चेंज होगा, मतलब कि उसका फॉन्ट कुछ छोटा होगा। इसी तरीके से हेडिंग 3 है यहाँ पे, तो उसका भी फॉन्ट कुछ चेंज होगा, डिफरेंट होगा। तो ये हेडिंग्स के स्टाइल्स हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप, जैसे कि आप मैंने सबको जो है वो हेडिंग 3 ही दिया है, तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मेरे पास पूरा टेबल ऑफ कंटेंट बन चुका है, ठीक है। और
के साथ जो है यहाँ पर आपको नंबर भी शो हो रहे होंगे कि वो किस पेज पर हेडिंग है उसकी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पेज 9 तक मैंने बना लिया था हेडिंग, तो यहाँ पर भी जो है वो पेज 9 तक आपके सामने जो है वो आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन पे बन चुके हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपने जो हेडिंग इसके अंदर लगाई है अपने थीसिस में या अपने असाइनमेंट के अंदर, तो अगर आप उसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट साइज चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे? क्योंकि आज आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आपको जो ऑटो पे साइज लगा हुआ है वही दे रहा है। तो अगर आप अपने तौर पे इसको कुछ चेंज करना चाह रहे हैं अपना स्टाइल फॉन्ट, तो वो किस तरीके से करेंगे? तो जैसे कि हमने कंप्यूटर को हेडिंग 1 दिया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका फॉन्ट जो स्टाइल है वो मैं चेंज कर दूं और फॉन्ट साइज भी जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर दूं काफी, क्योंकि मुझे बड़ा लग रहा है ये। तो मैंने हेडिंग 1 के ऊपर जो है वो जाना है इस ऑप्शन के ऊपर और राइट क्लिक करना है। तो आपको ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देगा जिसके अंदर सेकेंड ऑप्शन मॉडिफाई का आपको दिखेगा। तो मॉडिफाई के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है। इसके अंदर फॉन्ट स्टाइल्स मुख्तलिफ यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो स्टाइल आपको चाहिए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक एरियल ब्लैक यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर से आप इसके फाउंड को जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो मुझे काफी बड़ा लग रहा था तो मैंने इसे यहाँ से इसको छोटा कर दिया है, फाउंड को भी इसके थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं फाउंड को। और इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आप करना चाहें या फाउंड का कलर भी चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चेंजेस करने के बाद आज आप ओके करेंगे, तो जब भी आप ये स्टाइल आप कहीं पर लगा रहे होंगे तो वही हेडिंग का स्टाइल आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि कंप्यूटर के ऊपर मैंने ये स्टाइल लगा दिया है और नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर भी जो है मैं यही अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं वो क्या करूंगा, हेडिंग 1 के ऊपर ऑटोमेटिकली कर दूंगा, तो जो फॉर्मेटिंग मैंने ऊपर करी थी वो ऑटोमेटिकली सेकेंड हेडिंग के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। और इसी तरीके से ये थर्ड हेडिंग मुझे दिख गई है हिस्ट्री की, इसके ऊपर भी जो है मैं ये हेडिंग 1 का स्टाइल जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अब हम जो है वो अपडेट करेंगे इसी तरीके से। जैसे कि आपको मैंने बताया था जो भी आप चेंजेस कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, असाइनमेंट थीसिस जो भी आप बना रहे हैं आपने इसके अंदर चेंजेस कर दिए हैं, तो अब आपने क्या करना होता है, अपडेट करना होता है अपने टेबल ऑफ कंटेंट को। तो आप सबसे पहले आएंगे अपने टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज के ऊपर और टेबल अपडेट टेबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके से ये ऑप्शंस नुमाया हो जाएंगे। तो आपने अपडेट एंटायर टेबल के ऊपर चेक लगाना है और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हेडिंग 1 जो मैंने लगाई थी वो इस तरीके से यहाँ पर अलग से शो हो रही है, एंटामोलॉजी और हिस्ट्री के नाम से भी जो है वो ये हेडिंग जो है वो हेडिंग 1 बन गई है, इसकी मेन हेडिंग बन गई है। तो जो भी आप चेंजेस करेंगे तो उसके लिए लाजमी है कि आप अपडेट टेबल लाजमी करें ताकि जो भी चेंजेस करिए हैं वो अपडेट हो जाए। इसके अंदर मजेदार ये है कि अगर आप ने टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो पे बनाया है तो आप जैसे कि किसी भी हेडिंग पे जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये करते हैं कि कंट्रोल जब आप दबाते हैं तो आपके सामने जो है वो आपका जो माउस है वो अपना स्टाइल चेंज कर लेता है, वो एक हैंड बन जाता है। तो आप जब आप हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस हेडिंग पे और उस पेज पे चले जाते हैं जहां पर आपने क्लिक किया है, तो चाहे वो कोई से भी पेज के ऊपर हो आप ऑटोमेटिकली वहां पर पहुंच जाते हैं। तो इसका एक टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो पे बनाने का एक ये भी एक बड़ा अच्छा फायदा है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हेडिंग 1 और हेडिंग 2 अगर आप लगाते तो वो किस तरीके से आपके सामने शो हो रही होती। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हम जाते हैं तो हेडिंग 1 जो हमने दी थी कंप्यूटर की उसको अगर हम चेंज करते हैं और इसको हेडिंग 1 बना देते हैं, ठीक है, और नीचे जाकर और जो नीचे हेडिंग बनाई थी हमने उसको और उसके स्टाइल चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर हेडिंग मेरे सामने आ नहीं रही है, हाँ ये सेकंड हेडिंग, तो हम क्या करते हैं हेडिंग 2 कर देते हैं इसको। इसके अलावा नीचे जाते हैं और हेडिंग मुझे दिख गई है, इसको हम इस करके हेडिंग 2 कर देते हैं और इसके अलावा एक और हेडिंग ले लेते हैं और उसको भी चेंज करके हेडिंग 2 कर देते हैं। जब हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं अपने टेबल के अंदर और फिर हमें अपडेट करना होता है अपने टेबल को, तो वो किस तरीके से किया जाता है अब इसके अंदर समझ लेते हैं।
अब मैंने हेडिंग्स को अपना चेंज कर दिया है यहाँ पर, और कुछ आगे पीछे नंबर्स भी हो गए होंगे, पेज नंबर भी आगे पीछे हो गए होंगे। तो अब आपका टेबल जो है वो उस तरीके से नहीं रहा है जो कि पहले हमने बनाया था, उसके अंदर पेज नंबर भी चेंज हो गए हैं और हेडिंग्स का स्टाइल भी चेंज हो चुके हैं। तो जब आप काफी सारी चेंजेस कर लें तो उसको यहाँ पर एक ऑप्शन होता है अपडेट टेबल का। तो अपडेट टेबल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ही दो ऑप्शंस होते हैं। तो वो आपसे कहता है कि सिर्फ पेज नंबर चेंज करने हैं या फिर पूरा टेबल चेंज करना है। तो अगर आपके आपको लगता है कि आपने हेडिंग्स भी चेंज की हैं तो आपने क्या करना है, अपडेट इंटायर टेबल के ऊपर आपने चेक लगाना है और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपको मैंने बताया था हेडिंग 1 जब हमने लगाई थी कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर की हेडिंग जो है वो अलग तरीके से शो हो रही है। मतलब कि हेडिंग जो अगर आप मेन हेडिंग जैसे कि आपकी होती है, तो आपने हेडिंग 1 कर दिया था कंप्यूटर को मैंने, तो वो अलग तरीके से शो हो रही है। उसके बाद मैंने 3 हेडिंग्स लगाई थी हेडिंग 2 की, तो वो इस तरीके से यहाँ पर आप शो हो रही हैं। और इसके अलावा जो बकाया जो हेडिंग्स मेरे पास थी वो हेडिंग 3 ऑलरेडी लगी हुई थी, तो वो यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर शो हो रही है। मतलब कि हेडिंग्स सब हेडिंग्स इस तरीके से यहाँ पर बन चुकी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके नंबर्स भी जो हैं वो अब अपडेट हो चुके हैं। जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग में मैंने कि हमने 9 तक बनाया था, और अब यहाँ पर अब 10 तक जो है वो पेज नंबर आ चुका है। तो अब अपडेट जब आप करेंगे तो जितने भी आपने अपडेटिंग करी होगी, चेंजेस करी होगी, तो उसके अंदर आप जो है अपडेट टेबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सारी अपडेटिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाती है। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज हमारी